मैं सुभाष चंद गुप्ता, विभागाध्यक्ष मैकेनिकल प्रोडक्शन, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो एमपी और एमई तीनों साथ में चलते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें द इवेंट आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाई सर्कल्स और नोड्स एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ एक्टिविटी बाई एरोज। ये बिल्कुल सही है। टेल एंड ऑफ एरो रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी। द हेड ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द एंड ऑफ एक्टिविटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन पार्ट एनालिसिस क्रिटिकल पाथ इज ऑब्टेंड बाई जॉइनिंग इवेंट जीरो स्लैक, यानी लेटेस्ट फिनिश एंड अर्लीस्ट फिनिश यहाँ पर बराबर होगी, वो क्रिटिकल पाथ प्राप्त होता है, इसलिए पार्ट एनालिसिस में जीरो स्लैक। इसका आंसर है जीरो स्लैक। टेम्पलेट्स आर यूज्ड फॉर प्लानिंग लेआउट, फ्लो ऑफ मटेरियल, एडवांसिंग ए प्रोग्राम इन ऑटोमेटिक मशीन्स, कॉपिंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल्स। तो इसका आंसर है ए प्लानिंग लेआउट। टेम्पलेट्स आर यूज्ड फॉर प्लानिंग लेआउट्स। What a symbol employ in Birkenstein? This is permanent storage को show करता है, इसलिए इसका answer है D, permanent storage. In process layout, handling and backtracking of material is too much. Production control is more difficult and costly. Routing and scheduling is more difficult. और all of the above. तो ये process layout में ये तीनों ही होते हैं, handling and backtracking of material भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल भी डिफिकल्ट है, कॉस्टली होता है, रूटीन शेड्यूलिंग भी डिफिकल्ट है, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। रूटिंग प्रेस्क्राइब द फ्लो ऑफ मेटल इन द प्लांट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स, इंस्पेक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। इसका आंसर है फ्लो ऑफ मेटल इन द प्लांट। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द साइंटिफिक लेआउट टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइंटिफिक लेआउट का मेन ऑब्जेक्ट है ये भी। यूटिलाइज मैक्सिमम फ्लोर एरिया, ये भी आंसर सही है। To minimize production delay, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर all of these D है। Gantt chart provide information about metal handling, ये नहीं है। Proper utilization of manpower, production schedule, तो Gantt chart जो production schedule में काम लिया जाता है, इसलिए इसका आंसर C है। Which of the following conditions are necessary for applying linear program? There must be well-defined objective functions, decision variables should be interrelated and non-negative, resources must be in limited supply. ये तीनों ही होने चाहिए, कंडीशंस हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रिंग डायग्राम इज यूज्ड व्हेन टीम ऑफ वर्कर इज वर्किंग एट ए प्लेस, मेटल हैंडलिंग इज टू बी डन, आइडल टाइम इज टू बी रिड्यूस्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है मेटल हैंडलिंग इज टू बी डन। इन द इमर्शन एफिशिएंसी प्लान ए वर्कर रिसीव्स ओनली हिज डेली वेज एंड नो बोनस इज पेड टिल हिज एफिशिएंसी रीचेज 66.67% तक। अगर नहीं पहुंचती है तो उनको कोई बोनस नहीं दिया जाता है, इससे ऊपर अगर उसकी एफिशिएंसी पहुंचती है तो उसको बोनस दिया जाता है। इन इन्वेंट्री कंट्रोल द मेटल इज चेक्ड एज इट रीचेज इट्स मिनिमम स्टॉक। इसका आंसर है मिनिमम स्टॉक। द इंटरचेंजेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाई स्टैंडर्डाइजेशन, बेटर प्रोसेस प्लानिंग, बोनस प्लान, बेटर प्रोडक्ट प्लानिंग। इसका आंसर है इंटरचेंजेबिलिटी अचीव्ड बाई स्टैंडर्डाइजेशन। In inventory control, the economic order quantity is the optimum lot size, highest level of inventory, lot corresponding to break-even point, capability of a plant to produce. Iska answer hai optimum lot size. The chart which gives an estimate about the amount of metal handling between various work stations is known as trouble chart. So iska answer hai trouble chart C. In part, probabilistic time is given by TO optimistic time, TP pessimistic time और TM, TN most likely time. तो probabilistic time is equal to TO plus TP plus 4 TM upon 6. तो ये आंसर है इसका D. Acceptance sampling is widely used in batch production, job production, mass production, all of these. तो acceptance sampling widely used in mass production. In ABC control policy, maximum attention given to those items which consumes money
those items which are not readily available, those items which are in more demand, yeah, those items which consume more money. So those items which consume more money is called the D answer. Merit rating is the method of determining the relative value of a job, worker performance on a job, birth of machine, value of overall production. So its answer is workers of performance on a job. If A is the total item consumed per year, P procurement cost per order, C annual inventory carrying cost per item, then most economic ordering quantity हम जानते हैं Q is equal to under root 2AP upon C. इसका आंसर है C. Discrepancy of bar chart techniques are consequential effect of lack in one activity on the finish date. Free time available for an activity can't be predicted. Effective monitoring controlling can't be done. All of the above. तो ये तीनों ही discrepancy है bar chart की, इसलिए इसका आंसर है all of the above. Micro motion studies analysis of one stage of motion chart. Motion study when seen on a time chart, subdivision of an operation into thermics and their analysis, and light view of motion study. तो इसका आंसर है subdivision of an operation into thermics and their analysis. Fixed position layout is also known as static product layout. Last question देखा. Which of the following statement is correct? When slack of an activity is zero, it falls only on critical path. ये सही है. CPM technique is useful to minimize the direct and indirect expenses. ये भी ठीक है. Critical path of network represents the minimum time required for completion of job. ये भी सही है. इसलिए इसका आंसर all of the above.